रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनता जरेडी और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री टिकैत राजामणि सिंह जी हमारे। राजामणि सिंह जी 2010 में इस पंचायत से बतौर मुखिया निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी यहां से मुखिया है और ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो जनता जरेडी सीट है, पंचायत है, इस पंचायत में वर्तमान मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के जो पूर्वज थे पिछले लगभग 30-35 वर्षों से निरंतर वो यहाँ का नेतृत्व करते आ रहे थे, प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। 2010 में राजा मणि सिंह यहाँ के मुखिया बने। 2015 के चुनाव में इनकी पत्नी यहाँ की मुखिया बने। ये फिलहाल यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, पिछले लगभग 10 वर्षों से आप और आपकी पत्नी इस पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। किस तरह से काम हो रहा है, मुख्य रूप से कौन कौन से काम करने में सफलता प्राप्त हुई आपको? शौचालय बनाने में और गांव में रोड वगैरह बनाने में, मनरेगा के काम, कुआं वगैरह बनाने में। शौचालय बनाने में आपको सफलता प्राप्त हुई, लगभग कितनी संख्या में आपने अपने पंचायत के लोगों को शौचालय देने में सफलता प्राप्त की? लगभग 300। ये पंचायत जनता जरेडी क्या एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? कब ओडीएफ हुआ? तो भी मालूम नहीं है, लेकिन जब ओडीएफ हुआ तो एक ही बार पूरे हुआ था उसी समय ODF हो गया। आपका ये जो पंचायत है वो पूर्व में ODF फ्री हो चुका है। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपने अपने पंचायत में लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है? लाभ हम लोग हमने 80 लोगों को अभी तक दिया है। 80। आप सुन रहे थे श्री टिकैत राजामणि सिंह जी को, पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जनता जरेडी बिरनी गिरिडीह झारखंड। पिछले 10 वर्षों से निरंतर इस पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रमुख रूप से जो काम इन दोनों के सौजन्य से इस पंचायत के विकास के लिए, इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, उन सभी कार्यों को ये हम सभी के सामने रख रहे थे। प्रतिनिधि महोदय, पिछले लगभग 10 वर्षों से जनता जरेडी ग्राम पंचायत में आप बतौर जन प्रतिनिधि हैं। आम जनता जो है आपके पंचायत की, जो गरीब और निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए बात अगर मूलभूत आवश्यकताओं की जाए, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया है अब तक? 800 से ऊपर तो वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और क्या कहते हैं सामाजिक पेंशन जो भी है जी, ये काम इस पर हुआ है। और राशन कार्ड के मामले में तो करीब करीब लोग पूर्व में जितने लोग थे सारे लोगों का हो गया है, लेकिन नए लोगों में जो है उसमें थोड़ा कमी रह गया है, उसमें अभी काम चल रहा है। उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, प्रशंसनीय कार्य हुए हैं, प्रयास हुए हैं आम जनता के हितों में काम करने के। नमस्कार, मैं इस समय ग्राम पंचायत जनता जरेडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री टिकैत राजामणि सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राजा जी, आप ये बताएं कि आपके पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति? अभी वर्तमान स्थिति यही है कि जहाँ जहाँ कमियां थी पूर्व से जो बन गया तो बन गया, लेकिन जहाँ जहाँ कमियां थी वहाँ हमने अच्छी तरह से काम किया है और उन लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाया है। आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो आपने अपने पंचायत के चिन्हित स्थानों पर, अपने पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड में जहां कहीं भी जिस तरह की आवश्यकता पड़ी आपने हर उस जगह पर काम किया है। बात अगर सड़कों की जाए तो PCC और पैरल ब्लॉक पथ का निर्माण लगभग कितने जगहों पर हो पाया है? हम
सारे हमारे साथ थी हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, और सात रेवेन्यू विलेज में हमको लगता है सब में हमने काम किया है, सबने किया है। आपने पंचायत में बिजली की व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की फैसिलिटीज दी है? हाँ, स्ट्रीट लाइट की दी है, सोलर लाइट की फैसिलिटी तो मैं नहीं दिया। चलिए, स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए तो लगभग कुल कितनी संख्या में आपने स्ट्रीट लाइट लगवाया? 250। क्या वो जो लाइट्स लगे हैं पूर्व में वर्तमान में वो लाइट्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, कुछ जगह पर खराबी हो गया जिसका सुधार के लिए मरम्मत हो रहा है। बात अगर शिक्षा की जाए मुखिया जी, आप ये बताएं कि आपके पंचायत जनता जरीडी में कुल मिलाकर कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र लगभग आपके पंचायत में संचालित हैं? हमारे पंचायत में लगभग 7-8 माने विद्यालय हैं प्रारंभिक, और इसके बाद मध्य विद्यालय है, एक उच्च विद्यालय है, प्लस टू उच्च विद्यालय है। जन प्रतिनिधि के रूप में, पंचायत प्रमुख के रूप में आपने अपने पंचायत में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय हैं उन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं? सुविधा जैसे चापाकल दिए, इसके बाद हैंड वॉश वगैरह जो सुविधा, शौचालय दिया। क्या आपके पंचायत में वर्तमान में कोई उपस्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, अभी तो नहीं है उपस्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में, लेकिन प्रखंड में हमारे पंचायत के बगल में ही। कितना दूरी पड़ता है? लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आप सुन रहे थे श्री टिकैत राजा मनीष सिंह जी को, मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत जनता जरीडी के, और पंचायत स्तर पर पिछले लगभग 5-10 वर्षों की जो इनकी सक्रियता है उसके आधार पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये हम सभी को अपने माध्यम से, और पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि टिकैत श्री राजा मनीष सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। आप पूर्व में इस पंचायत से मुखिया थे, वर्तमान में आपकी पत्नी है, हालांकि इस पंचायत में पिछले लगभग 30-35 वर्षों से 40 वर्षों से आपके पूर्वज इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। उसमें थोड़ा सा कमी रह गया, जब से पंचायती लागू हुआ है तब से पिताजी थे, और आज पिताजी के बाद मैं और मेरी पत्नी। चलिए, पिताजी के बाद आप और आपकी पत्नी, कुल मिलाकर पंचायती राज जब से लागू हुआ है तब से लेकर अब तक जनता जरीडी पंचायत में आपके पूर्वज और आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीमान, ये बताइए कि आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या एक बार फिर इस पंचायत की जनता के समक्ष आपकी मैडम और आप बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? जरूर। क्या लगता है श्रीमान, इस बार जीत पाएंगे आप? 100%। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि मैं अपना जो काम किया है, जिस हिसाब से जो मेरा व्यवहार है, ये सारे लोगों को पसंद है, इसलिए हमको आशा है कि वो पूर्ण रूपेण हमको फिर लाएंगे। झारखंड में पंचायती राज या फिर पूर्व में जो पंचायती राज लागू हुआ था तब से लेकर अब तक कंटिन्यू इनके पूर्वज से लेकर ये इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, और आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने जीत के प्रति ये आश्वस्त हैं और सुनिश्चित हैं, और इसका वजह यह है कि इन्होंने निरंतर, इनके पूर्वजों ने, यहाँ की मुखिया जी ने और प्रतिनिधि महोदय ने निरंतर यहाँ के लोगों की सेवा की है, सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, हमेशा 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं, और जो निस्वार्थ भाव से सबके लिए सेवा काम हुए हैं इन सभी के सौजन्य से, इसके आधार पर इनको लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता इन्हीं दोनों का चयन बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि करेंगे। हमें आशा है कि आपने जो अच्छा काम किया है, आपके पंचायत की जनता समझदार है, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो आपके पंचायत की जनता उचित निर्णय लेगी, और आपको और मुखिया जी को एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व का बागडोर और जिम्मेदारी देगी। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के ग्राम पंचायत जनता जरीडी में हूं, और ये जो पंचायत है वो गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री टिकैत राजा मनी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस जगह पर हम लोग इस समय खड़े हैं इसके ठीक पीछे आप देखें एक सुंदर और आकर्षक सा गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक शौचालय का यहाँ पर निर्माण हुआ है। आप देखें एक
दूर तक आपको नजर आएगा एक बहुत ही विशालकाय वहां पर मंदिर है, और ये जो प्रांगण है इसका एक विशेष महत्व है इस पंचायत में। इस महत्व के विषय में जानकारी देंगे हमारे मुखिया प्रतिनिधि महोदय, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान आपका स्वागत है। ये जो आकर्षक आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाया है सामुदायिक शौचालय, ये तो बहुत सुंदर है। कितना वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ? बस अगले साल के निर्माण। पिछला साल आपने इसका निर्माण करवाया? क्या ये सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है? एकदम सुचारू रूप से किया जा रहा है। ये जो मंदिर परिसर है यहाँ पर देख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन वर्ष में होता है? दो तीन बार होता है। तो ये जो सामुदायिक शौचालय यहाँ पर आपने निर्माण करवाया है, इस निर्माण का यहाँ पर निर्माण होना, इसके पीछे का कोई मंशा कोई कारण? मंशा यही है कि यहाँ लोगों का जो जमाव होता है तो उनको शौचालय जाने की प्रॉब्लम होता है, जिसका समाधान है तो इसको बनवाया गया है। राजा टिकैत सिंह जी बोल रहे हैं कि ये जो सामुदायिक शौचालय आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, बहुत ही सुंदर आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण निर्माण है। ये जो परिसर है ये एक विशेष स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान है जनता जरेडी पंचायत का। यहाँ पर वर्ष में 2-3 बार धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है, लोगों का जमावड़ा होता है। और पंचायत में ये जो विशेष स्थान है, इस स्थान पर आने वाले लोगों को, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, जो कि पिछले वर्ष हुआ था और वर्तमान में ये पूर्ण रूपेण चालू है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह का निर्माण काम जो है, इस तरह के विकास के काम टिकैत राजा मनीष सिंह जी ने अपने पंचायत में अलग अलग जगहों पर किए हैं, ताकि पंचायत की जनता लाभान्वित हो। ये जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 21 के माध्यम से, इस समय हम लोग गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनता जरेडी में है, और इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री टिकैत राजा मनीष सिंह जी हमारे साथ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनता जरेडी में हूं, और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभुक हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ इनको मिला है, इसके विषय में ये क्या बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये जो आवास का लाभ आपको मिला है, कब मिला? मिला था अगले साल। पिछला साल ये जो आवास का लाभ आपको मिला है, इसको लेने के लिए आपको कितना दिक्कत हुआ, कितना परेशान होना पड़ा, क्या कुछ किया आपने? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ? आपने मुखिया जी से आग्रह किया, पैसा का कोई डिमांड? कोई डिमांड नहीं। अमूमन पंचायतों में कहीं कहीं पर इस तरह की बातें आती है कि प्रधानमंत्री आवास के बदले 5,000-10,000 से लेकर 20,000 तक रुपए रिश्वत ली जाती है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने पैसा नहीं दिया। पूर्व में आपके पास आवास की दिक्कत थी, वर्तमान में आपको मुखिया के सौजन्य से आवास मिल रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। रहने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो आवास का आवंटन आपको हुआ है, निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ आपको आपका हक मिला है मुखिया जी के सौजन्य से, क्या कहना चाहेंगे इस आवास को पाकर? मुखिया जी ठीक है, यहाँ का मुखिया है, पंचायत मुखिया जी को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री विनोद जी को, जो कि एक लाभुक है प्रधानमंत्री आवास का, मुखिया जी के सौजन्य से इनको ये आवास मिला है। पूर्व में इनको रहने में बड़ी तरह की दिक्कतें होती थी, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मुखिया जी के सौजन्य से इनको एक आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इस आवास का लाभ इनको निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव के और बिना किसी तरह के मांग और रिश्वत के, इनका जो हक था उसको दिया गया है, और इस बात को लेकर ये बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, और अपने स्तर से ये मुखिया जी को और प्रतिनिधि महोदय को ग्राम पंचायत जनता जरेडी के अपने स्तर से धन्यवाद भी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।